हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का, चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का, चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का। और पूछिए जिब्रील से, पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का, पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का। चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर भी आप हजरात समाप्त फरमाए, है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई। कहिए सुभान अल्लाह, है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई, है हदीसे पाक उस पर खुल्द वाजिब हो गई। किस पर देख ले मोमिन अगर, देख ले मोमिन अगर रोजा मेरे सरकार का, देख ले मोमिन अगर रोजा मेरे सरकार का। चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का। और आखिरी से समाप्त फरमाने, अशार बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का ख्याल रखते हुए आखिरी से समाप्त फरमाए। आए थे तलवार लेकर कत्ल करने को उमर, आए थे बड़ा गुमान था कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, बड़ा जज्बा था कि हम खत्म कर देंगे, मिटा देंगे। लेकिन जरा हुजूर का चेहरा देखिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज भी कुछ लोगों को यही गुमान हो गया है। आए थे तलवार लेकर कत्ल करने को उमर, और उमर ने पढ़ लिया, और उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का, और उमर ने पढ़ लिया कलमा मेरे सरकार का। चूमते हैं आके वो तलवा मेरे सरकार का, पूछिए जिब्रील से रुतबा मेरे सरकार का। दुरूद पाक पढ़िए मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला سيدنا حبيبنا سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله مبارك وسلم। हज़रात गिरामी, आज की मुकद्दस रात, ये महकती हुई रात, चमकती हुई रात, नूरानी रात और बड़ी हसीनो जमील प्यारी रात, जिसे शबे मेराज के नाम से
याद किया जाता है, जाना जाता है। यही वो मुकद्दस रात है जिस रात में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से अपने करीब बुलाया और मेराज अता फरमाई। पुराने मजीद व फुरकानी हमीद की आयात बयनात की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को रात के उस हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। इस आयत करीमा की तफसीर में, इसकी रोशनी में बहुत सारे मुफस्सिरीन किराम ने, मुहक्किकीन किराम ने बहुत कुछ कहा है और अपनी अपनी किताबों में लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज अल्लाह तबारक व ताला ने क्यों दी और मस्जिद अक्सा ही का उसका इंतखाब क्यों फरमाया? कहीं और भी हुजूर चले जाते, किसी और जगह भी सरकार जा सकते थे और जगह भी दिखाई जा सकती थी, सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पर क्यों गए? तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। एक तो उसकी वजह यह है कि मस्जिद अक्सा जहां पर वाक़े हैं वो पूरी अल-कुद्स की जो हिस्से की जो सरजमीन की जगह है, ये वो मुकद्दस जगह है जहां पर ज्यादातर हर अंबिया तशरीफ ले गए। बहुत सारे अंबिया वहीं पर मबऊस हुए और बहुत सारे अंबिया सफर करके पहुंचे। हर अंबिया की ये तमन्ना रही अपने अपने दौर में जब वो आए अपने अपने जमाने में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा जाए, हुजूर का दीदार किया जाए। जिस तरह से बहुत सारे अंबिया की ये तमन्ना हुई, बिल्कुल उसी तरह से मस्जिद अक्सा की भी तमन्ना हुई कि हुजूर का दीदार किया जाए, हुजूर का चेहरा देखा जाए। तो उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं मस्जिद अक्सा के सुतूनों ने अल्लाह से दुआ मांगी। बोलिए सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा के सुतूनों ने अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, जिस तरह से हर नबी तेरे महबूब के चेहरे को देखना चाहता है, जिस तरह से दुनिया की हर शय तेरे महबूब के चेहरे की जियारत करना चाहती है, जिस तरह से दुनिया की हर चीज तेरे महबूब का दीदार करना चाहती है, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी भी ये दुआ है कि मुझे भी अपने महबूब का चेहरे का दीदार अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे भी अपने महबूब का चेहरे का दीदार अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली और अल्लाह तआला ने अपने हबीब को हजरत जिब्रील अमी के साथ में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सरकार को भेज दिया। सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया जलवा फरमा हैं, आपने वाकयात सुनते हैं, सुनते चले आए हैं, मेरे आका ने इमामत फरमाई, लेकिन जब हुजूर के मेराज में चलने का वक्त नजदीक हुआ, सुभान अल्लाह, अंदाज जरा देखिए महबूब को ले जाने का। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 70,000 फरिश्तों की जमात लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए
और हाजिर होने के बाद 70,000 फरिश्ते सरकार के हुजरे मुबारक में जहां पर सरकार जलवा फरमा थे हजरत उम्मे हानी के घर, उस हुजरे मुबारक के बाहर 70,000 फरिश्तों की जमात मौजूद है, इंतजार कर रही है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नजर डाली तो ये हुआ कि हुजूर को उठाया कैसे जाए, सरकार की आंखें बंद हैं, सरकार को जो है कैसे उठाया जाए, कौन सा तरीका निकाला जाए। गैब से आवाज आई, ए जिब्रील मैंने तुम्हें काफूर से पैदा किया है, ठंडक से पैदा किया है। काफूर से पैदा करने का मकसद ही यही था, एक रात ऐसी आएगी जिस रात में मैं अपने हबीब को अपने पास बुलाऊंगा, सुभान अल्लाह, अपने हबीब को अपने करीब बुलाऊंगा, सबसे करीब बुलाऊंगा और जो है अपना जलवा दिखाऊंगा। तो अब तुम सोचते क्या हो, अपने लबे काफूरी को मेरे महबूब के कदमों पर रख दो, तुम्हारे लबों की ठंडक पड़ते ही महबूब आंखें खोल देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक में हजरत जिब्रील ने जो है अपने लबों को रखा और जैसे ही लबों को रखा हुजूर ने आंखें खोल दी, सुभान अल्लाह। यहीं पर शायर तर्जुमानी करता है, सोए हैं वो बज़ाहिर दिल उनका जागता है, तलवों से उनसे उनके कुदसी पेशानी मल रहा है, आंखें खुली तो पूछा जिब्रील कहिए क्या है, जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है, जिब्रील बोले आका खालिक बुला रहा है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों को चूम करके हजरत जिब्रील अमीन ने पैगाम दिया है कि हर हाल में नबी की ताजीम की जाती है, हर हाल में नबी की ताजीम करना चाहिए, हर हाल में सरकार की इज्जत व तौकीर करना चाहिए, जर्रा बराबर भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए, जर्रा बराबर भी बेअदबी नहीं हो करनी चाहिए। जो लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी किया करते हैं, ताजीम को हराम कहते हैं, ताजीम को नाजायज व बिदअत कहते हैं, वो इस वाकये की रोशनी पर नजर डालें और डालने के बाद में अपने ईमान अकीदे को दुरुस्त करें, सही करें और वही कहें जो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने कहा है। क्या कहा है? यही कहा है, या रसूल अल्लाह हम तो आपको ऐसा मानते हैं कि अगर कोई अंधेरे में हो और आपके कदमों को चूम ले तो उजाले में आ जाए। या रसूल अल्लाह चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अगर ताजीम रहेगी तो कभी भी जो है तुम तौहीन नहीं कर पाओगे, अगर तौहीन नहीं कर पाओगे तो कभी भी अल्लाह की जात में तो जो है कभी किसी को शरीक नहीं कर पाओगे, रब्बुल आलमीन के जो है हुक्म के खिलाफ कभी नहीं जाओगे, दिल में कभी ये मलाल नहीं पैदा होगा कि इनकी भी मान लेनी चाहिए, उनकी भी मान लेनी चाहिए, इनको भी पसंद कर लेना चाहिए, उनको भी पसंद कर लेना चाहिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज से जब लौटे नमाज का तोहफा लेकर के आए, नमाज के अंदर बहुत सारी खूबियां छिपी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला दर्स ये है कि नमाज के हालत में सजदा किया जाए और सजदा ये पैगाम देता है कि इबादत अगर किसी की करनी है, सजदा अगर किसी का करना है, पेशानी अगर किसी के सामने झुकानी है, अपने माथे को किसी के सामने रखना है तो वो किसी और के सामने नहीं रखना है, वो परवरदिगार के सामने रखना है, रब्बुल आलमीन के सामने रखना है। ये मेराज का वाकया हमें बहुत कुछ दर्स देता है। आज कुछ भोले भाले मुसलमान मिलियामेर करने के लिए और बराबर करने के लिए कि उसके खुदाओं को भी मान लिया जाए, इनको भी मान लिया जाए, उनको भी मान लिया जाए और सबको मान करके एक कर दिया जाए और अपनी जबान से ये कह दिया जाए कि हाँ सारे खुदा एक ही जैसे होते हैं। मगर आओ जरा देखो, आज हिंदुस्तान के सरजमीन में जो ये हवा चल रही है, ऐसी हवा चल रही है कि अगर सांस ले तो
दिक्कत है, सांस ना ले तो दिक्कत है, दोनों मामला में माहौल में आदमी गिरफ्तार है। इसलिए जब मुसीबत में पड़ता है तो जो है वही बोली बोलने लगता है जो बोली कुफार मुशरिकीन बोला करते थे, वही बोली बोलने लगता है जिसकी शरीयत इजाजत नहीं देती है, और कह देता है कि हाँ सब कुछ बराबर है। मैं आपको आखिरी जुमले में एक पैगाम देता हूँ और अपनी गुफ्तगू को खत्म करते चलता हूँ कि चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जितना पहाड़ टूट जाए, चाहे जितना तुम्हें परेशान कर दिया जाए, लेकिन जो तौहीद का दामन रसूलुल्लाह ने दिया है वो हाथ से हरगिज न जाने पाए। अगर तुम्हें मजबूर करने के बाद ये कहा जाए कि तुम भी ये बोलो जो हम बोलते हैं, तुम भी ये करो जो हम करते हैं, तुम भी वो खाओ जो हम खाते हैं, तुम भी खुदा उसे मानो जिसे हम मानते हैं, तो तुम सर तक कटा देना, मगर वो बात हरगिज न मानना। इसलिए क्योंकि ये पैगाम हमें किसी और ने नहीं दिया है, ये पैगाम हजरत बिलाल हबशी से मिल रहा है। हजरत बिलाल हबशी से मक्के की सरजमीन में मुतालबा यही हुआ था कि ऐ बिलाल तुम जिसे मानते हो मानते रहो, गरम रेत पर लिटा करके सीने में पत्थर रख करके जबान बाहर आ गई थी और ये कहा जा रहा था ऐ बिलाल तुम्हें लात को भी मानना होगा, ऐ बिलाल तुम्हें उज़ा को भी मानना होगा, ऐ बिलाल तुम्हें मनात को भी मानना होगा, और तुम्हें इसको मान करके तुम्हें हमारे दीनों धर्म पर भी चलना होगा। मगर हजरत बिलाल ने तब की हुई रेत पर ये पैगाम दिया था कि जो नबी का सच्चा आशिक होता है और जो कलमाए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, अगर उसके सीने में पत्थर भी रख दिया जाए, तब की रेत पर लिटा भी दिया जाए, तो वो यही कहता है अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है अल्लाह एक है अल्लाह एक है। तुम हमसे अगर ये ईमान छीनने की कोशिश करोगे तो हम अपनी जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत पैगंबर मुस्तफा पैगंबर मुस्तफा, नारे तकबीर नारे रिसालत जलसा दशरे ईद मेराजुन नबी, नारे तकबीर नारे रिसालत। हजरत बिलाल की जबान से आज भी आलम तसव्वुर में सवाल के जवाब में आवाज आ रही है, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए ये परवाह नहीं करते। हम अपने नबी के चाहने वाले हैं, अपने नबी के मानने वाले हैं, जो हर वक्त अपनी जबान से कहते रहेंगे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान व अकायद की हिफाजत फरमाए और परवरदिगार आलम हमें मसलके आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।